एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा शेर था। उस जंगल में राजा शेर का शासन चलता था। उसके शासन में सभी जानवर हंसी खुशी से रहते थे। जंगल में कोई उत्सव होता तो सभी जानवर मिलकर हंसी खुशी मनाते थे। उसी जंगल में चीता और ब्लैक पैंथर भी रहते थे। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा होता है। चीता और पैंथर दोनों जंगल का राजा बनना चाहते थे। एक दिन चीता पैंथर से कहता है, अरे पैंथर भाई, ये शेर जंगल पर राज बहुत कर लिया, अब हम इसको हटाकर हम दोनों जंगल का राजा बनेंगे। हाँ चीता भाई, इसको जंगल के गद्दी पर से हटाना होगा, पर इसके लिए हमें जानवरों को अपनी तरफ करना होगा। यह कहकर दोनों जंगल के जानवरों के पास जाते हैं और उनको शेर के खिलाफ भड़काते हैं। अरे भाइयों, इस जंगल में जब भी उत्सव होता है हम सभी जानवर मिलकर काम करते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं और जंगल की सजावट करते हैं। शेर बस आता है और मजे से भोजन खाता है। हाँ साथियों, राजा है तो क्या हुआ, हम प्रजा उसकी गुलाम थोड़ी है। इस जंगल में जो भी कार्यक्रम होगा सबका बराबर अधिकार होगा। कुछ जानवर उनकी बातों में आ जाते हैं और कुछ जानवर उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। जंगल में उत्सव मनाने के लिए सभी जानवर तैयारी करने लगते हैं। सभी जानवर उत्सव में शामिल होते हैं। जंगल का राजा शेर भी वहां आता है। उसे देख चीता बोलता है, आप राजा हैं तो क्या, आप उत्सव के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम जानवर ही क्यों करेंगे। कुछ जानवर चीता के सपोर्ट में बोलने लगते हैं। तब शेर कहता है, सालों से इस जंगल का राजा हूँ और इस उत्सव को कराते आया हूँ, अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आज से ही इस पद को छोड़ता हूँ और आप लोग जिसे चाहे उसे राजा बना सकते हैं। यह सुनकर चीता और पैंथर बहुत खुश हो जाते हैं। उत्सव खत्म होने के अगले दिन शेर अपनी गद्दी छोड़ देता है और वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। अब वह दोनों जंगल का राजा बन जाते हैं। कुछ दिनों तक अच्छा चलता है। एक दिन उसके पास लकड़बग्घा आता है। हे महाराज, जंगल के राजा बनने की खुशी में जंगल में क्या उत्सव नहीं मनाया जाएगा? ठीक है, हम कल को उत्सव मनाएंगे। सभी जानवरों को कल के लिए तैयार करो। लकड़बग्घा सभी जानवरों को बता देता है। उत्सव की तैयारी होने लगती है और मजे से उत्सव का मजा लेते हैं। कुछ दिनों तक अच्छा चलता है और वह अब जानवरों से काम करवाने लगते हैं और अपना भोजन भी जानवरों से मंगवाने लगते हैं। वह दोनों आराम से खाते और मजे से रहने लगते हैं। सभी जानवर उन दोनों से परेशान होने लगे। हम इनकी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दिए, ये अब हम पर ही अत्याचार कर रहे हैं। पता नहीं हमारे महाराज कहाँ पर होंगे, हम लोगों ने उनका दिल दुखाया है। तभी एक ईगल बोलता है, मुझे पता है महाराज कहाँ पर है, मैं उनको बुलाकर लाऊंगा और फिर से हमारे जंगल में खुशियों का माहौल होगा। यह कहकर ईगल शेर के पास जाता है और शेर से सारी बात बताता है। शेर ईगल की बात सुनकर उन सभी जानवरों के पास आता है और कहता है, मेरे होते हुए तुम लोगों के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, चलो चीता और पैंथर के पास चलते हैं।
यह कहकर शेर और सभी जानवर चीता और ब्लैक पैंथर के पास जाते हैं। तुम जंगल के जानवरों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? हम इस जंगल के राजा हैं और हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तुम कौन हो बोलने वाले? यह सुनकर शेर गुस्सा हो जाता है और दोनों को वही मार देता है। उसके बाद जंगल का राजा बन जाता है और सभी जानवर फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी की बहकावे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।